हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कोलिजन में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एम टू है और यहाँ पे क्या है, एम वन है, क्लियर। और ये वेलोसिटी इसकी यू वन है और इसकी वेलोसिटी क्या है, यू टू है। और टकराने के बाद है ना, ये चली गई इधर कितने से चली गई, वी वन से, और ये आ गई इधर, ये चली आई कितने से, वी टू से। और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया थीटा वन और ये हो गई आपको थीटा टू। इतना बात का ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें क्या करना है कि मोमेंटम को कंजर्व कराना है। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि लीनियर मोमेंटम। तो कंपोनेंट वाइज करना होगा, किधर कंपोनेंट वाइज। तो इसकी अगर हम बात करें कंपोनेंट की, इसकी तो इसकी एक कंपोनेंट तो इधर आएगी और कितनी आएगी, m1, ये m1 है, ये है m2। तो m1 v1 cos थीटा 1, इसकी आएगी क्या, m2 v2 cos थीटा 2। उसी तरह से इसकी एक कंपोनेंट इधर आएगी और ये आएगी m2 v2 sin थीटा 2। एक कंपोनेंट इसकी इधर आएगी और ये क्या आएगी, m1 v1 sin थीटा 1, क्लियर। तो अब क्या है कि टोटल मोमेंटम एलोंग इनिशियल मोमेंटम है ना, एलोंग एक्स एक्सिस, टोटल इनिशियल मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस और टोटल फाइनल मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम वन होगा, यू वन होगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, एम टू होगा, यू टू होगा, इजिकल टू इसकी मोमेंटम अगर बात करें तो एम वन होगा, वी वन होगा, कॉस थीटा वन प्लस एम टू होगा, वी टू होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टू होगा, है कि नहीं। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इजिकल टू एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू, ये हो गया। अब उसी तरह से क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम इनिशियल वाई इजिकल टू टोटल मोमेंटम फाइनल एलोंग क्या, वाई। तो वाई में इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है ना, इधर है नहीं, इधर तो कोई मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, जीरो इजिकल टू, इसमें लिखते हैं क्या, एम वन वी वन और साइन थीटा वन माइनस एम टू और वी टू और साइन थीटा टू, ये इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन यहाँ बन गया, एक इक्वेशन यहाँ बना। अब क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व कराना है। तो एनर्जी में तो कंपोनेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इजिकल टू टोटल एनर्जी फाइनल, वन बाई टू एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू और यू टू का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू वन बाई टू एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू और वी टू का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इलास्टिक में, है ना भाई, इलास्टिक में ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इक्वल मास हो, जैसे कि m1 वन इजिकल टू एम हो और m2 टू इजिकल टू भी क्या हो, m हो, है ना, और u1 वन इजिकल टू यू हो और u2 टू इजिकल टू क्या हो, जीरो, ऐसे। और यहाँ पे हो गया आपको m, इसका वेलोसिटी u, और यहाँ पर हो गया m, इसकी वेलोसिटी जो है वो है जीरो। तो टकराने के बाद क्या होती है, पहली बार तो आपको रिजल्ट डिराइव करना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टकराने के बाद क्या होती है बता रहा हूँ ना, ये गई इधर
है ना। तो ये हो गई आपको m और ये हो गई वी वन और ये हो गई आपको किधर ऐसे। तो ये हो गई आपको m, इसका नाम पड़ गया वी टू। तो ये हो गया आपको थीटा वन, ये हो गया आपको थीटा टू। तो याद रखेंगे कि थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कौन सा केस में हो सकता है, ये कौन सा केस में हो सकता है, तो जब दोनों का मास इक्वल हो और दूसरा ब्लॉक रेस्ट में हो, तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आप थीटा वन को निकाल सकते हैं, 90 माइनस थीटा टू, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है इस तरह का कि इक्वल मास दिया हुआ है और पहला का वेलोसिटी भी दिया हुआ है। इक्वल मास क्वेश्चन है कि u1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है u और u2 जो है वो है जीरो और मास जो है m1 और m2 दोनों का जो वैल्यूज है वो कैपिटल m, ठीक। और एक बात दिया हुआ है कि जो v1 है वो v बटे 3 से जा रही है। जो v1 है वो कितना से जा रही है, v1 वो जा रही है u बाई 3 से। तो आपको बताना है कि v2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस ऐसा जब भी सवाल हो तो ऐसे सवाल को अगर आप सोल्व करते हैं तो मोमेंटम को कंजर्व न करके, हालांकि आप कर सकते हैं मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, तो मोमेंटम को कंजर्व न करके आप अगर कंजर्व करते हैं एनर्जी को तो जल्दी बनेगा ये सवाल, क्या बनेगा भाई, जल्दी बन जाएगा। ये एम है और ये क्या है, ये वी वन है और ये यू बटे थ्री है। ये भी कितना है, एम है और ई जो वैल्यू है वो क्या है, वी टू है और ये हमको कैलकुलेट करना है और ये 90 डिग्री हो गई। तो सबसे अच्छा ये है कि हम एनर्जी को कंजर्व कराते हैं। तो नाउ ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, ई इनिशियल इक्वल टू ई अगर हम फाइनल करें तो क्या करेंगे इसमें, वन बटे टू एम यू का स्क्वायर, वन बाई टू एम यू का स्क्वायर प्लस जीरो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, वन बटे टू एम और वी बटे थ्री, वी बटे थ्री नहीं है, यू बटे थ्री है, यू बटे थ्री इसका स्क्वायर, अब प्लस वन बटे टू एम वी टू, वी टू का स्क्वायर है ना। तो वी टू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर वी टू का स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बटे कितना 9। तो ये हो गया क्या, 8 u का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 9 और ये हो गया क्या वी टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया वी टू इज इक्वल टू 2 रूट टू इंटू यू डिवाइडेड बटे 3, ये हो गया आंसर। वी टू इज इक्वल टू 2 रूट टू डिवाइडेड बटे 3 इंटू यू और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से आ रहा है। सपोज दैट ये बॉल ऐसे आ रहा है, ये एम वन है, इनिशियली ऐसे ही आ रहा है और ये सरफेस है, एक बॉल ऐसे आ रहा है, एक बॉल ऐसे आ रहा है, ये एम टू है और ये जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, थीटा वन, ये बनाया क्या थीटा टू ऐसे। और फिर जब कोलिजन हुआ ना तो उसके बाद चला गया ऐसे, ऐसे चला गया,
अब ये मान लीजिए कहाँ से गया, अल्फा वन अल्फा, और ये चला गया बीटा एंगल से गया, तो ई और ये यू वन है, ये क्या है, ये यू टू है, ये क्या है वी वन है, ये एम वन है, ये एम टू है, और ये वी टू है। अब इसका आपको मान लीजिए कि कहे कि आप निकालिए इसका मोमेंट, कंपोनेंट वाइज आप कंडीशन लिखिए, तो हम कह रहे हैं कि आप पहला इसमें कंडीशन लिख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो मोमेंटम है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे पी इनिशियल एक्स में, फिर लिखेंगे क्या पी पी इनिशियल एक्स में बराबर पी फाइनल एक्स में। तो इसका जो कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो एक तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा में आ जाएगा, एक्स में अगर तोड़ते हैं इसका डायरेक्ट लिखते हैं एम वन यू वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू यू टू कॉस थीटा टू इजिकल टू एम वन वी वन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ठीक है ना, और प्लस एम टू वी टू कॉस बीटा, देख रहे हैं अभी मैंने क्या लिखा, एक्स वाला लिख दिया है ना। अब वाई वाला लिखते हैं, तो वाई वाला आपसे कह रहा ना परपेंडिकुलर, तो दूसरा है कि इनिशियल मोमेंटम एक्स इजिकल टू फाइनल मोमेंटम, सॉरी वाई इंटू फाइनल मोमेंटम वाई, तो इसमें लिखे हैं क्या एम वन यू वन और साइन थीटा वन प्लस एम टू यू टू और साइन थीटा टू इजिकल टू इक्वल टू एम वन वी वन, एम वन वी वन और साइन कितना अल्फा, और प्लस एम टू वी टू और साइन कितना बीटा। है ना, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें तो यहाँ पर माइनस होगा, क्यों माइनस होगा कि इसका जो होगा इसका इसका कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है ना, और यहाँ पर लिखेंगे क्या प्लस, ये समझ में आ रहा है, इसका आप लिखोगे माइनस नीचे आएगा, जैसा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, तोड़ के दिखा देते हैं एक एक कंपोनेंट तोड़ते हैं देखें, और इसमें है कि ये वाला प्लस हो जाएगा इधर जा रहा है, तो ये प्लस ये हो गया माइनस, ठीक है। इसका मैं कंपोनेंट तोड़ कर भी दिखाता हूँ, एनर्जी वाला में देखो, एनर्जी वाला में कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी इनिशियल एनर्जी क्या हो गया फाइनल, तो एनर्जी इनिशियल में क्या लिखेंगे वन बटे टू लिखेंगे एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू यू टू का स्क्वायर इजिकल टू वन बाई टू एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस वन बटे टू फिर एम टू और वी टू का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे वन बाई टू एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू यू टू का स्क्वायर इजिकल टू वन बाई टू एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू और वी टू का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर। अब इसको हम चाह रहे हैं कि कंपोनेंट तोड़ कर दिखाएं, तो पहली बात जब कंपोनेंट आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसा होगा, इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ें तो ये हो गया आपको एक्सिस एक हो गए, यहाँ पर ये गिरा है तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया कौन वाई, ये वाई हो गया, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है तो ये हो गया आपका वाई, ठीक है। तो ये जो होगा इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वो इधर आएगा, इसका कंपोनेंट m1 u1 cos थीटा 1, इसका भी कंपोनेंट आएगा एक इधर m2 u2 cos थीटा 2, ये हो गया। इसका जो एक कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, देख रहे हैं ना m1 u1 sin थीटा 1, इसका कंपोनेंट जाएगा वो है m2 u2 और sin थीटा 2, क्लियर। इसका देखिए इसका इसका एक इधर आएगा कंपोनेंट जिसका नाम होगा m1 v1 sin अल्फा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा m2 v2 और sin बीटा, इधर जो होगा क्या होगा m1 v1 cos अल्फा, इधर होगा आपका m2 v2 cos बीटा,
काफी इंपॉर्टेंट है, देख रहे ना, सही है, इसमें तो कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। M1 U1 साइन थीटा 1 और ऊपर में चला जाएगा M2 U2 साइन थीटा 2 और फिर इसमें इधर कंपोनेंट वाइज ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है टू डायमेंशनल में, जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, इस तरह से एक दीवाल है बड़ा सा, इस पे कोई बॉल को ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे ये एम हो गया, और कितना से जा रहा है, यू से जा रहा है, और इधर से इंसिडेंट से एंगल थीटा है, तो ये आएगा भी इधर ही आएगा, है ना। इलास्टिक कोलिजन अगर हम बात करते हैं, दीवार की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक भारी दीवार है और छोटा सा एक बॉल है, अगर उसको फेंकते हैं तो दीवार का स्पीड जो होगा वो जीरो होगा टकराने के बाद, और बॉल उसी स्पीड से वापस आएगा, तो ये इसको वापस भेज रहे हैं, सेम मास है, ठीक है, मास इसका सेम, मैंने बॉल है तो मास तो चेंज नहीं होगा, दीवार बहुत बड़ा है, तो ये हो गया। तो इसमें अगर हम कंपोनेंट तोड़ें इसी को, तो कैसे दिखाएंगे, ये इनिशियल हुआ, इनिशियल हो गया, और ई एक्स लाइन हो गया, ठीक है, ये थीटा है, तो ये लाइन जैसे है और ये लाइन जैसे है वैसे ही ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये इसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू, तो ये भी कितना हो जाएगा, एम इंटू यू, इधर निकल नहीं रही है, पर इसका हम इफेक्ट को दिखाए हैं ताकि हम कंपोनेंट को दिखा सकें। तो इधर जो कंपोनेंट तोड़ेगा क्या मिलेगा, एम इंटू यू मिलेगा और कॉस थीटा मिलेगा, और इधर जो मिलेगा क्या मिलेगा, एम इंटू यू और साइन थीटा मिलेगा। ये कौन है, ये है इनिशियल, किस में, वाई में, ये कौन है, ये है इनिशियल और एक्स में, समझे, है कि नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें ये फाइनल हो गया ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, पी फाइनल किधर आ रहा है, एक्स में, और क्या मिल रहा है, एम इंटू यू कॉस थीटा मिल रहा है, और एक मिल रहा है इधर, और क्या मिल रहा है, एम इंटू यू और साइन थीटा मिल रहा है, और ये कौन है, पी फाइनल किधर, वाई में। इस तरह से कंपोनेंट होगा। अगर इसमें हम चेंज देखें, चेंज हो रहा है, तो नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम में बात करते हैं, तो एलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, पी एक्स वेक्टर में लेना पड़ेगा, तो पी फाइनल एक्स माइनस पी इनिशियल एक्स, है ना। तो पी जो फाइनल हो गया वो कितना हो गया, एम इंटू यू अकॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस एम इंटू यू कॉस थीटा, और क्या हो गया, आई कैप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2m इंटू यू कॉस थीटा माइनस क्या हो गया, आई कैप। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग इसको डेल्टा पी एक्स, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2m यू कॉस थीटा माइनस क्या हो गया, आई कैप, है ना। डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2m u cos थीटा और माइनस क्या हो गया, आई कैप हो गया। इसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंपल्स, इसको हम लोग नाम देंगे इंपल्स। इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स along negative x-axis, negative x-axis, है ना।
कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ इम्पल्स की डायरेक्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सिस। अब इसी में अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाई क्या डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स, एफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2m into u cos थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या डेल्टा t, तो e आ जाएगा आपको फोर्स आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं डेल्टा पी वाई की, तो इसमें लिखेंगे क्या p फाइनल y माइनस p इनिशियल y, ऐसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एम इंटू यू साइन थीटा माइनस जे कैप माइनस एम यू साइन थीटा माइनस जे कैप, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो डेल्टा जो पी होगा, डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एम माइनस हो गया माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप अब प्लस प्लस क्या लिखेंगे एम यू साइन थीटा और जे कैप, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक माइनस में है और एक किसमें है प्लस में है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये माइनस में है और ये किसमें है प्लस में है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ गया, देख रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम वाई में नहीं होगा, अगर इस बोर्ड पे आप इस तरह से किसी बॉल को फेंकते हैं, है ना, तो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन सीधे बॉल पे परपेंडिकुलर होगी, या चेंज इन इम्पल्स जो होगी वो सीधे सरफेस पर यानी बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसके पैरेलल में जो होगा वो फोर्स नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आ गया डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बटे डेल्टा कितना टी, तो ये हो गया जीरो, ये कितना हो गया डेल्टा टी हो गया, तो फाइनली ये जीरो हो गया, तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, ये हो गया क्या जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं सर से जीरो बोलेंगे, ओके। तो फोर्स जो हो गया एलोंग द, है ना, पैरेलल टू द वॉल, फोर्स फोर्स पैरेलल पैरेलल टू द वॉल इज जीरो एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल, फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल इज नॉट जीरो, मतलब कि परपेंडिकुलर वॉल के परपेंडिकुलर ही फोर्स एग्जर्ट करता है, क्लियर। क्वेश्चन है कि एक जो ब्लॉक है क्वेश्चन है टू डायमेंशनल, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन, एम मास का बॉल है इधर जा रहा है एक्स में और थ्री एम का बॉल है टू बी से इधर जा रहा है, कह रहा है कि टकराने के बाद स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर हो गया, है ना, स्टिक
टिक टुगेदर, तो हमको कैलकुलेट करना है आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसमें लिखेंगे कि जो P होगा इनिशियल और P जो फाइनल, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, m इंटू वी आई कैप लिखेंगे और प्लस 3m इंटू 2v, और इसको क्या लिखेंगे, j कैप लिखेंगे और क्या लिखेंगे भाई, 7 हो गया, कंबाइंड हो गया ना, तो m v कॉमन और प्लस 3m v कॉमन, 3m v कॉमन है ना, ऐसे हो गया। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो क्या मिलेगा, m इंटू वी आई कैप प्लस 6 इंटू एम वी और j कैप, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4m इंटू वी कॉमन, ऐसे। तो ये और ये ऐसे हो जाएगा, तो वी आई कैप प्लस 6 वी j कैप इज इक्वल टू 4 और वी कॉमन, इस तरह से होगा। तो जो वी कॉमन है वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर है तो भी जो कॉमन होगा वो क्या होगा, भी बटे 4 होगा और यहाँ पर क्या होगा आई कैप और प्लस 6 भी होगा डिवाइडेड बटे 4 और यहाँ पर क्या होगा जे कैप, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, भी कॉमन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे भी बटे 4 आई कैप और प्लस 6 बटे 4 मतलब कि 3 डिवाइडेड बटे 2 और ये हो गया आपका जे कैप, ये हो गया आंसर, कॉमन वेलोसिटी हो गया। और यहाँ पे भी रहेगा है ना। तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।